सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली मेरे S9 प्लस में फिर से एक सिक्योरिटी पैच मिल गया है, जो कि हमें देता है सिक्योरिटी 1 मई का सिक्योरिटी पैच है और 141 MB है। साथ ही साथ एक नया फीचर इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है कि उन्होंने बताया है कि हमने सिंपली इम्प्रूव कर दिया है क्या कि गैलेक्सी डिवाइसेस के बीच में जो क्विक शेयर वाला था ऑप्शन, उसको बहुत अब स्मूथली उससे जाया करेगा। पहले स्मूथ जाता था, अब उससे भी ज़्यादा स्मूथ जाएगा, ऐसा सैमसंग का ये कहना है। और उन्होंने फाइनली अपडेट दे दी है। मेरे 50S में एक अपडेट आई एंड्रॉयड 10 के बाद, तब से कोई अपडेट ही नहीं आ रही है। ये होता है भाई फ्लैगशिप का कमाल, ये मैं बार बार यही बताता हूँ और अभी भी यही बताऊंगा, यही होता है फ्लैगशिप का कमाल। एक फ्लैगशिप फ़ोन परचेज करने की जो एबिलिटी होती है, साथ ही साथ उसमें कुछ फीचर्स भी होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें नॉर्मल फ़ोनों में नहीं देखने को मिलते, वो है इसका पूरा अप टू डेट फ़ोन रहता है सैमसंग। अब देखो थोड़ा 3 साल पुराना हो गया है, तो दो महीने के गैप में दे रहा है, मीन्स 2 महीने आफ्टर 2 महीने ऐसा कर रहा है, लेकिन तब भी वो प्रोवाइड कर रहा है। और इससे पहले क्या होता था कि हर महीने मुझे सिक्योरिटी पैच मिलता था, इवन एक मंथ में मुझे दो सिक्योरिटी पैच मिले थे, मीन्स एक वाला उसके पीछे बैक वाला चल रहा था और उसी मंथ का सिक्योरिटी पैच सैमसंग ने दे दिया था। तो ये यार सैमसंग की सबसे बेस्ट चीज़ है और सैमसंग के फ्लैगशिप भाई अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो अगर फ्लैगशिप लेना हो तो S9 प्लस अल्टीमेट ऑप्शन एस सीरीज साथ जा सकते हो, बिल्कुल जाओ। यही था आज का वीडियो, अपडेट की कोई कमी नहीं है, S9 प्लस में अपडेट आती रहेंगी। सिक्योरिटी बेस तो मुझे लग रहा है अगले 5 सालों तक इस फोन में आता रहेगा, कोई इसको नहीं रोक सकता। सो यही था आज का वीडियो, चलता हूँ, बाय।